कांग्रेस ने एक युवा प्रत्याशी को मौका दिया है, यशस्विनी सहाय यहाँ पर रांची में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। यशस्विनी सहाय हमारे साथ हैं। यशस्विनी, क्या मुद्दे रहेंगे और नया युवा चेहरा को मौका मिला है, आपको कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है और ऐसे में किस तरह से आप अपना मैदान मारने के लिए तमाम कोशिशें करें? जी, मैं ये जानती हूँ कि मेरा राजनीतिक अनुभव नहीं रहा है। मैं बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हूँ और मैंने अपनी वकालत की और उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स किया, जिसमें मैंने ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ में अपना स्पेशलाइजेशन की। तो समाज सेवा मेरे फादर में भी थी और है भी, और मेरे अंदर भी वो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक लेगेसी है एक तरीके की। अब बात आती है कि अगर पार्टी के श्रेष्ठ नेतृत्व ने एक युवा को मौका दिया है, मतलब कि ये एक नए डायरेक्शन में कह सकते पहला कदम है। हम बातें करते हैं युवाओं की, हम बातें करते हैं युवाओं की परिस्थितियों की, पर कभी युवा नेताओं को उतना मौका नहीं मिल पाता है। बिकॉज कांग्रेस पार्टी ने मुझे एक मौका दिया है, मैं रांची की जनता और युवा महिला, रांची की हर एक इंसान के उस पर खरी उतरना चाहती हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि आपके जो अपोजिशन में हैं वो एक अनुभवी हैं, पहले भी सांसद रह चुके हैं, कई पदों पर रह चुके हैं, तो किन मुद्दों पर उनको घेरेंगी, क्या कमी रह गई है वो मुद्दे उठाएं? देखिए, सबसे पहला सवाल ये कि रांची का डेवलपमेंट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा अगर मुद्दा होगा तो यही है कि रांची का डेवलपमेंट हो, रांची आगे बढ़े। रांची एक राजधानी है, उसे राजधानी की जो खूबियां हैं वो अब आ जानी चाहिए थी, और जो कमी अभी तक है उस पे मैं क्या काम कर सकती हूँ। अगर आप महिलाओं की बात करें तो यहाँ पे महिलाओं की सेफ्टी, सुरक्षा की बात, उस पर हम क्या काम कर सकते हैं, वो मेरा एक एक्सपीरियंस भी रहा है, क्योंकि मैंने एक क्रिमिनल लॉयर की तरह काम भी किया है और चाइल्ड राइट्स पर भी काम किया है। प्लस युवाओं की बात करें तो बेरोज़गारी युवाओं को सबसे ज़्यादा त्रस्त की हुई है। आज के ज़माने में अगर एक युवा के पास, आपको पता है, सर्टिफिकेट हो जाए डिग्री का, उसके बाद भी लोगों को जॉब नहीं मिलता है, तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी बेरोज़गार हैं। तो ऐसी भी जो समस्थितियाँ हैं उसको कौन सुझाएगा? अगर यहाँ के सांसद रह चुके हैं, लोगों ने उन पर विश्वास जताया है, तो क्या वो विश्वास पे खरे उतरे हैं? ये सवाल जनता ही उनको बताएगी। ये मुद्दे जनता के बीच उठेंगे क्या आपकी ओर से? बिल्कुल उठेंगे, बिकॉज जनता से कोई भी बात छुपती है नहीं, और आप कितनी भी बातें कर लें यहाँ की और वहाँ की, जनता की जो परेशानियाँ हैं अगर आप उनको नहीं समझेंगे और उनको नहीं टैकल करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा आप जहाँ पे हैं। अगर आप जनता के रिप्रेजेंटेशन का बात करते तो मैं भी अगर आज चुनाव लड़ रही हूँ, मैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो मेरी सबसे बड़ी, फर्स्ट मेरा स्टेप वही होगा कि मैं उसके तरफ काम करूँ। एक आरोप लगेगा आप पर कि जो आपका अनुभव नहीं है, एक वंशवाद का जो आरोप लगता है बीजेपी की ओर से, उस सवाल को कैसे मुकाबला करें? यदि यशस्विनी सहाय जो बता रही थी कि तमाम मुद्दे हैं, मुद्दों के को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगी, अब देखना होगा कि रांची की जनता उनको कितनी एक्सेप्टेंस दे पाती है। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।